जब हम अपना एम बी पी स्टेज या प्रोटोटाइप फेज स्टेज पार करते हैं अपने अर्ली से स्टार्टअप फेज में तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जो सेगमेंट करना बहुत जरूरी है जो हमें गाइड करेगा सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म विजन अचीव करने में वंस वी स्टार्टअप फ्रॉम जीरो टू वन हाई दिस इज प्रियंका मंदानी फाउंडर ऑफ ईजी टू पेश टेलिंग यू वॉट शुड बी द थिंग्स टेकन केयर ऑफ माइ न्यू स्टार्टअप एंड हाउ टू मेक इट फंडेबल आज हम बात करेंगे अबाउट द पावर ऑफ पी फोर सो हमने सुना है कि एम में बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई स्टार्टअप ऑन्ट्रप्रिनोर आ रहा है उसने पढ़ाई करी है कि मार्केट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है जो माइंड में रखना होता है बट उन ऑन्ट्रप्रिनस का क्या जिन्होंने एम नहीं किया हुआ और वो स्टिल स्टार्टअप करना चाहते हैं मैं खुद उनमें से एक हूँ जब मैंने एम नहीं किया बट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि मुझे एम बी ए की टर्मिनलॉजी पढ़नी चाहिए ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो कि एक स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ें सेगमेंट करनी चाहिए एक गोल अचीव करने के लिए पावर ऑफ पी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउटिंग प्रमोशन जहां आप उसको बेचेंगे और उसका प्राइस क्या है अगर मैं बोलू की प्रोडक्ट हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि आपका एमबीपी स्टेज और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए बट अब बात आ जाती है दूसरे तीन दूसरे और तीसरे और चौथे पी के बारे में डिस्कस करने का जो कि आपका प्राइस हो जाता है अब आपने जब प्रोडक्ट बना दिया तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि उसका प्राइस क्या रखा जाए कि लोग उसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे सो दैट इज योर सेकेंड पी दैट इज योर प्राइस विच यू नीड टू डिफाइन वंस यू स्टार्ट विद मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट और सेलिंग दैट प्रोडक्ट द थर्ड पॉइंट इज दैट अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने प्राइजिंग भी रख लिया बट प्राइजिंग के साथ साथ आपको यह देखना पड़ेगा आप किस जगह पे उसको बेच रहे हैं अगर मैं अभी दिल्ली एनसीआर में

करना हो जाता है प्रमोशन तो प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप उसको मार्केट कैसे करेंगे आज आपने अपने जीरो से फर्स्ट टेन कस्टमर्स और हंड्रेड कस्टमर्स डेफिनेटली चीव कर लिया है जो कि बहुत अप्रिशिएबल है बट एक टाइम आ जाता है जब आपको स्केल करना है तो आपकी जो प्रमोशन स्ट्रैटेजीज होंगी फ्रॉम बेसिक वुड बी एज पर द लॉन्ग टर्म विजन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं अपने ब्रांड के अराउंड अगर इजी टू पिच की बात किया जाए यू हैव डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेर यू कैन रीच अस सिमिलरली एवरी ब्रांड हैज़ अ सोशल सोशल मीडिया रीच वेयर यू कैन जस्ट गो एंड टॉक अबाउट वॉट आर द डिटेल ऑफ द सर्विसज दैट देर प्रोवाइडिंग सो यहाँ पे एक ये प्रमोशन की बात आ जाती है कि मुझे अपने सर्विस और प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ सो द पावर ऑफ पी फोर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सेगमेंट दैट इज योर प्रोडक्ट योर प्लेस योर प्राइज एंड योर प्रमोशन फैक्टर्स सो दैट यू आर रेडी टू स्केल अप वैन यू गो फ्रॉम एन अर्ली स्टेज टू अटेज एंड यू बिकम अ फंडीपल स्टार्ट अप थैंक यू